गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ तो आ रही होगी। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज की क्लास जो हमारी चलेगी, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है पाइप और टंकी, जिसे बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम। और ये हमारा रहा लोगो, ठीक है, दिस इज अ लोगो। एंड ये सत्या स्मार्ट क्लासेस यही रहेगी यूट्यूब लिंक, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है, डालने से आपको ये सारे वीडियो मिलते रहेंगे। अभी हम UPSI मतलब अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर चला रहे हैं शुरुआत में, उसके बाद जो है ना फिर ये टेंथ क्लास एंड उसके बाद AFOS NDA CDS इसकी जो है ना मैथ स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो हम ना देरी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है किया, ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं देखो इसका मतलब क्या, पहले मतलब समझ लो। पाइप एंड टंकी क्या है? पाइप एंड टंकी इसमें ये रहेगा, देखो कोई टंकी हमारी छत पर रखी हुई पानी की टंकी है, उसे कोई दो लोग उस पानी को भर रहे हैं, दो लोग उस पानी को जो है ना भर रहे हैं। भरने के बाद क्या है ना, कोई चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से अरे एंड पाइप टंकी। देखो एक कोई टंकी है, मान लिया कोई 1000 लीटर की टंकी है, और उसमें मैंने बोला कि दो नल खोले गए, कोई भी दो नल खोल दिए गए भरने के लिए, एक धीरे भरेगा एक तेज भरेगा। टंकी भरने में कितना समय लगेगा? एक मान लिया 15 घंटे में भर रहा, दूसरा अकेले 20 घंटे में भर रहा, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह है। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, वो क्या आएगा भाई? काम को तो हम बिगाड़ नहीं पा रहे थे, पानी की टंकी को तो हम बिगाड़ सकते हैं ना। एक पानी का नल जो है ना टंकी को भरेगा, दूसरा क्या है, टंकी में छेद होने की वजह से उसमें से पानी का रिसाव होगा, वो भी तो एक नल ही तो है जो पानी का रिसाव हो रहा है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हमारे चलते रहेंगे। फिर क्या होगा भाई, रिसाव भी हो रहा है, एक नल भर भी रहा है, भरने वाला तेज भर रहा है, रिसाव वाला धीरे रिस रहा है, तो क्या है टंकी को भरने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि पानी निकल भी रहा है, भर तो रहे हैं मगर निकल रहा है, ठीक है। जैसे सरकारी टंकी होती हैं, पानी चल रहा है मगर पानी बह भी रहा है खराब, तो उस तरह से इसमें क्वेश्चंस होंगे हमारे। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से ही हम क्वेश्चन को समझा देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ऐसे भी आएगा कि कोई एक टंकी है, मान लिया टंकी है मेरी ये, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम, कुछ भी दे देते हैं, ये गवर्नमेंट टंकी है कोई भी, ठीक है, गवर्नमेंट टंकी है, एंड इसको भरते हैं हम। मैंने भरना स्टार्ट किया इस टंकी को, एक नल से जो है ना पानी इसमें जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये इसमें टोटी लगा दी, ये पानी अब जा रहा है। एक क्या करेगा, ये देखो टंकी पानी जा रहा है ना, अब दूसरा नल भी मैंने लगा दिया, दूसरा नल से भी पानी जा रहा है। अब बोला ये जो नल है ना, ये फर्स्ट नल, ये किसी टंकी को, मतलब इस नल का नाम दे दिया ए, एक किसी नल ए टंकी को 10 घंटे में भरता है, एंड ये नल जो है ना वो 20 घंटे में, तो बी नल जो है ना उस टंकी को 20 घंटे में भरता है। तो अब बताइए दोनों नल क्या भरेंगे? इसमें एक चिंचिन होगी, इसमें भरेगा भी पानी निकलेगा भी, तो इसमें हम माइनस प्लस का काम करेंगे। प्लस का मतलब टंकी जो नल पानी भर रहा है, माइनस का मतलब जो टंकी पानी से
जो मतलब जो नल है जो पानी टंकी से निकल रहा है, मतलब कि पानी टंकी में भरा जा रहा समर से, आप नहा भी रहे हो तो पानी निकल भी रहा है ना, तो निकलने वाले पानी को हम निगेटिव लिखेंगे, मतलब माइनस वाले चिन्ह से। अब ये दोनों भर ही रहे हैं तो दोनों प्लस रहेंगे, प्लस कहाँ पे लगाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 20, मतलब ये टंकी जो है ना वो कितने लीटर की है, 20 लीटर मान लो, ठीक है, 20 ml भी मान सकते हो, फिर 20 लीटर की जगह मतलब कुछ भी मान सकते हो, 2000 लीटर भी मान सकते हो, मतलब जो 10 और 20 से कट जाए, मैंने पहले ही बोला एलसीएम 10 × 20, तो 20 ये क्या है टंकी भर रही, तो हाँ यहीं पर हम प्लस चिन्ह लगा लेंगे, मतलब ये जो है ना टंकी एक घंटे में 2 लीटर पानी भर रही है, ठीक है। ऐसे ही 20 × 20, तो ये भी प्लस भर ही रही है दोनों ना, तो 20 × 20, तो ये दोनों भर रही हैं। अब दोनों भर रही हैं तो 2 × 1 = 3, दोनों भरेंगी तो कितना टाइम लगेगा, तो ए प्लस बी, ऐसे ही इनका एक दिन का काम भी जोड़ लो, कितना लीटर पानी हुआ, 2 × 1 = 3 लीटर, तो ए प्लस बी जो है ना 3 लीटर, पानी कितना भरना है 20, और पर डे कितना भर रहे हैं 3 लीटर, तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो 6 / 2/3 आवर। अब देखो क्वेश्चन में कभी कभी तो ऐसे आंसर दे दिया जाएगा 6 / 2/3 आवर। अब ये बताओ 6 घंटे तो हमारे पक्के ही हैं, प्लस कितना है 2/3 घंटा, मेरा घंटा होता कितना है 1, 1 घंटा कितना हिस्सा करो 3 हिस्से करो, 1 घंटे के 3 हिस्से करो, ठीक है, और नहीं तो उसको मिनट में बदलने के लिए ना, इसे मिनट में आएगा ना 6 घंटे, फिर कुछ मिनट आएगा, नहीं तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसा करो मेरा 1 घंटा होता कितना है, 2/3 घंटा है ना ये, 1 घंटा कितना होता है हमारा 60 मिनट का, 60 के 3 हिस्सा करो, 20 20 20, 3 हो गए 20 20 मिनट, उसके 2 हिस्से इनको दे दो केवल, 2 ही तो है ये बात, तो कितना 40 मिनट, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6 घंटे प्लस, ऐसे लिख सकते हैं 6 घंटा 40 मिनट, ठीक है, ना समझना ना कुछ, नॉर्मली आपका यही सही होगा, ठीक है। चलो अब इसको मैं इरेज करता हूँ जस्ट, ठीक है, और अब नए सिरे के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। चलो ठीक, अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार फिर लगाते हैं हम लोग। इसमें देखो दो नल दे दिए गए, दो नल ए और बी, ठीक है। एक टंकी को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, टंकी हमारी मान ली ये है, दो नल लगा दिए गए हैं, ये नल जो है ना नल ए एंड एक नल ये लगा दिया गया है, इसका नल का नाम दे दिया नल बी, ठीक है, दोनों ही भर रहे हैं, दोनों ही भरते हैं, इसमें खाली का नाम नहीं लिया है। एक टंकी देखो ए नल, देखो दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, यदि ए को चालू कर दिया जाए तो 20 मिनट में भर देगा, बी को ए को ना चलाएं यदि बी को ही चलाएं तो वो 30 मिनट में भर देगा, और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब दोनों एक साथ चला दिए जाए तो कितना समय लगेगा, तो देखो इसे कितना टाइम लगा 20 मिनट, यदि ए भरता तो, यदि बी भरता तो इसे टाइम कितना लगता 30 मिनट, क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है। अब पूछा क्या है, अब दोनों को ही एक साथ चला दिया जाए तो मुझे बताओ ए धन बी, तो बताओ मैं, ठीक है, यही है ना। चलो इसको हम करते हैं थोड़ा रफली, ये पूछा, अब देखो क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह करते हैं, ठीक, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं और ये इधर सेट कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन, ना ले, ठीक है, हम प्लस माइनस कहाँ लगाएंगे, यहीं पे लगा दो, ये भरने वाला नल है ना, भरने वाला नल तो पॉजिटिव है, तो ए कितने 20 मिनट में, एंड बी, बी भी भर रहा है ना, बी कितने मिनट भर रहा है
30 मिनट में, ठीक है। अब दोनों चला दिए जाए तो पूछा है, अब दोनों भर रहे हैं, ठीक है, निकाल नहीं रहे, दोनों भर रहे हैं, तो ए प्लस बी, तो इनका दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो आएगा मेरा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, अब दोनों भरेंगे तो 3 दो 5, पानी भरना कितना मेरा 60 लीटर, तो देखो 60 बटे कितना 5, तो कितना लगेगा 12 मिनट, आंसर आ गया। समझ में आ गया बिल्कुल नहीं, 12 मिनट आंसर आया कि नहीं आया, 12 मिनट जो है ना आंसर आ गया, ठीक है हमारा कंप्लीटली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो नल एक टंकी को 2 घंटे और 3 घंटे में भरते हैं। दो नल मान लो, एक मेरा ए है, ए भर रहा है मेरा कितने में 2 घंटे में, एंड बी भर रहा है हमारा वही कितने घंटे में भर रहा है 3 घंटे भर रहा है। ये दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब दोनों नल खाली टंकी में, टंकी तो खाली रहेगी ना, ये टंकी है, अब दोनों नल का पहले भी देख ले, 3 दूनी 6 मतलब 6 लीटर की टंकी है, कितना लीटर की टंकी है, टंकी मुझे कितने लीटर भरनी है 6 लीटर की। अब ये 2 घंटे में भर रहा, बी 3 घंटे में, अब देखो बी 1 घंटे में कितना भरेगा 2 3 6 ये कितना भरेगा 3 लीटर, ये 3 दूनी 6 2 लीटर। अब हम पूछें ए प्लस बी भरेंगे तो प्लस प्लस दोनों भरेंगे ना, तो देखो टोटल पानी कितना भरना था 6, भर कितने दोनों 5, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 5 × 5, तो 1 सही 1/5 घंटा, ठीक है। तो 1 सही 1/5 मतलब 1 घंटा, 1/5 का मतलब क्या हो गया 5, 1 घंटे का 5 भाग करो, 1 घंटे के कितने 5 भाग, 1/5 5 भाग, तो 1 घंटे करेंगे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, उसके 5 हिस्सा करेंगे कितना आ जाएगा 5वां हिस्सा 12 मिनट, और 12 मिनट ऊपर है कितना एक ही तो है, तो 1 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा मेरा 1 घंटा 12 मिनट, ये आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस वीडियो पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नल एक तालाब भरने में 3 घंटे लगाता है, नल को एक तालाब भरने में कितने घंटे लग रहे 3 घंटे, तो लिखो ए भर रहा है ना एक तालाब कितने घंटे में 3 घंटे, जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है, ये दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब भरने में भी कितने घंटे लगे। अब दोनों का पूछ लिया है तो बस कुछ नहीं है, इन दोनों का क्या ले लो एलसीएम, इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना 6H नहीं 6 लीटर मान लो, 6 कुछ भी मान लो, ठीक है, तो एलसीएम मेरा आया 6, ये लीटर में ये क्वांटिटी, ये मेरा कार्य है, ठीक है, तो 3 दूनी 6 तो ये कितना आ गया 2, और 6 × 6 तो ये कितना आ गया मेरा 1। अब देखो ए प्लस बी कितने भरेंगे, तो ए धन बी भरेंगे तो कितना आया 6, ये कितना 2 × 3 तो कितने भरेंगे 2 घंटे, ए प्लस बी दोनों लग जाएंगे तो मेरा 2 घंटे में भर जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम देखिए, अब कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जैसे सेम क्वेश्चन मिलते हैं तो आप खुद करेंगे इसको। चलो
चलो क्वेश्चन क्या लग रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नल किसी हौज को क्रम से 10 घंटे और 12 घंटे भर सकते हैं। हौज भी हमारा टंकी की तरह है, ठीक है, आप समझ लेना, हौज भी एक टंकी की तरह है। दो नल किसी हौज को क्रम से 10 घंटे या 12 घंटे। अब क्रम से का मतलब क्या हो गया? क्रम से मतलब है ए भरेगा अकेले तो 10 घंटे भर देगा, या बी अकेले भरेगा तो वो 15 घंटे भर सकता है टंकी को, ठीक है। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ। अब कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए हौज में, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन सेम है, ए भर रहा है जो 10 घंटे में, बी भर रहा है 15 घंटे में, तो दोनों कितने में भरेंगे? एलसीएम लो और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। पाइप ए है वो किसी खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप बी इस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब एक पाइप बी है वो इस टंकी को कितने घंटे में? 6 घंटे में खाली कर सकता है। आप देखो खाली करने वाली कहानी आने लगी, अभी तक भर रहे थे दोनों, अब खाली करने वाला भी आ गया, ठीक है। खाली टंकी में ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? अब भाई एक टंकी है, अब देखो टंकी कैसी है, देखो मैं बता देता हूँ। टंकी हो गई अब ये वाली, एक ये है जो कि पानी भर रहा है कितना, 4 घंटे में टंकी को भर सकता है 4 घंटे में। और ये भरी टंकी हो ना पूरी, तो इसको जो है ना ये वाला नल 6 घंटे में खाली भी कर सकता है। तो भरा हुआ खाली वाला आने लगे नल, ठीक है। तो अब हम दूसरी तरीके से करते हैं, तरीके वही हैं बस करने के मेथड। चल इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन, पाइप ए एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, भरने वाला प्लस पहले बता दिया 4 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप बी भरी टंकी को इस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो इस टंकी को खाली कर सकता है तो भरी टंकी तो खाली होगी ना, तो भरी टंकी है तो ये खाली कर रहा है माइनस कितने घंटे में, 6 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। तो खाली टंकी में ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, खाली टंकी में ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो इसे भरने में कितने घंटे लगेंगे? अब खाली टंकी मुझे भरनी है, ठीक है। एक बात तो याद रखना, एक चीज़ और उसमें बता दूं, टंकी तो आपकी भरेगी ही भरेगी। क्यों भरेगी? क्योंकि टंकी भर तो 4 घंटे में दे रहा है मगर खाली कितने घंटे में हो रही, 6 घंटे में। ये दोनों को एक साथ भी चला देंगे ना तो इसका पाइप मोटा है ना, तभी तो जल्दी भर रहा है। ये 4 घंटे में तो किसी टंकी को भर रहा है तो इसका पाइप मोटा है तो जल्दी भर देता है, ये पाइप पतला है तो ये 6 घंटे लगा रहा निकालने में, पानी में निकालने में ना, भर जल्दी रही। तो टंकी तो हमेशा याद रखो ये भरेगी ही भरेगी, ठीक है। ये होता कि 6 घंटे में ही भरती है, 6 घंटे में ही निकालती है, तो टंकी हमारी कभी नहीं भरेगी, जितना पानी नीचे गया उतना पानी निकल गया। यहाँ ज़्यादा होता कि एक ए जो है ना किसी टंकी को 7 घंटे में भरता है और बी उसी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली करता है, तो ये टंकी भरेगी तो कभी नहीं मगर 1 लीटर माइनस और हो जाएगा पानी, ठीक है। क्योंकि 1 लीटर नहीं बोल सकते, अभी लीटर का कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि तुम 1 घंटे जो है ना देरी से भर रहे हो वो जल्दी निकाल रहा है, इसलिए पानी कभी भर ही नहीं पाएगी टंकी, ठीक है। तो हमेशा ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए निकालने वाले की, ये इसकी कम होनी चाहिए, ये कम समय में भर रहा हो और वो ज़्यादा समय में निकाल रहा हो, तो टंकी हमेशा हमारी भरेगी। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे टंकी आधी भरी हुई है, तब वो क्वेश्चन अलग है, वो हम बाद में बताएंगे। अभी चलो इनका निकालते हैं, दोनों का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 12, मतलब टंकी का जो धारिता है कैपेसिटी है वो हमारा 12 लीटर हो गया। लीटर मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। 4 × 12 मतलब 3 एंड 6 × 12 मतलब 2। अब देखो जरा अब ये आ गया, अब देखो पानी कितना मुझे भरना है,
बारह। पानी कितना भरना है? पानी कितना भरना है? बारह। लेकिन अब कौन कौन भरेगा? ये तो भर रहा है, मगर ये एक घंटे में कितना? ये एक घंटे में 3 लीटर भर रहा है पानी, तभी तो 4 घंटे 12 लीटर भर पाएगा। अब ये 3 लीटर एक घंटे में भर रहा है और ये 2 लीटर निकाल रहा है, तो टंकी कितना भरेगा? 1 लीटर। जब 1 लीटर एक घंटे में भर रहा है तो पानी भरना कितना? 12 लीटर। तो 1 का भाग दे दूँ तो आ जाएगा कितने घंटे, मतलब टंकी कितने घंटे में भरेगी? 12 घंटे में। तुम्हें ये भी पता लग जाएगी कि हाँ टंकी भरेगी कि नहीं भरेगी, क्योंकि यहाँ देखो ये माइनस वाली संख्या ज़्यादा है और प्लस वाली कम है, तो टंकी कभी नहीं भरेगी, प्लस वाली हमेशा ही ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी टंकी भरेगी। कुछ सिचुएशंस होंगी, कुछ क्वेश्चन बदलाव होंगे, आधी टंकी भरी हुई है, तब ऐसा नहीं भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, कोई पाइप है उस किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, और इस टंकी को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक तो भर सकता है, दूसरा देखो वो पाइप देखो 5 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप 4 ही घंटे में खाली कर रहा है। आ गया क्वेश्चन, मैंने बोला था ये टंकी कभी भरेगी? एकदम बताएं कभी नहीं भरेगी, मगर कुछ कंडीशन दी जाएगी जिससे कि टंकी भर जाएगी। ये टंकी पूर्णतः भरी हुई हो, अब की बार टंकी उसने क्या कर दिया, भरी है टंकी, खाली नहीं है, भरी हुई हो, और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न में से किस समय खाली हो जाएगी? टंकी खाली ही होगी, क्योंकि भरोगे तुम, निकालने वाला जल्दी है तो निकालने वाला पानी ज़्यादा निकाल देगा, भरने वाला कम भरेगा, तो पानी कम ही होता चला जाएगा धीरे धीरे। कितने घंटे में निकलेगा वो मैं बता देता हूँ भैया। चलो ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर रहा है, इस टंकी को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर रहा है, 4 घंटे। यह टंकी पूर्णतः भरी हो, अब टंकी की धारिता पहले देखते हैं, 4×5=20, मतलब टंकी ऑलरेडी पूरी भरी हुई है 20 लीटर, ठीक है। देखो 5×20 और 4×5=20, मतलब जी 1 घंटा में भर तो कितना रहा है? 4 लीटर, मगर जी निकाल कितना रहा है, मतलब पानी कितना ज़्यादा निकल रहा है, 1 लीटर ज़्यादा निकल रहा है। वो कहाँ से निकलेगा पानी? टंकी जो भरी हुई है उसी से तो पानी निकल रहा होगा ना, तो देख लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अंतर कितना आ गया, अब खाली करनी है ना टंकी, तो टंकी में पानी कितना? 20 लीटर, ठीक है, और 20 लीटर पानी है, और पानी पर घंटे में कम कितना हो रहा है? 1 लीटर। तो 1 का भाग दे दूँ तो कितना टाइम लगेगा? 20 घंटे में टंकी हमारी कैसी हो जाएगी? खाली, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, खाली जो टंकी है ना वो 20 लीटर पानी एक घंटे में जो है ना 1 लीटर पानी जो है ना कम होता चला जाएगा, तो 20 लीटर पानी है तो 20 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। चलो इसको पहले नीचे लेते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरी भरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये 12 घंटे भर रहा है, वो 18 घंटे में खाली कर सकता है भरी टंकी को, तो मुझे लग रहा है ये 12 घंटे में भर रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, खाली कर रहा है देर में, इसकी स्पीड कम है, टंकी हमेशा भर जाएगी, ये दोनों को साथ साथ चलाएंगे, इतना मेरा होना चाहिए हमेशा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है, ऑप्शन दे के टिक मार रही है, तो ये चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ टंकी भरेगी भी नहीं भरेगी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ए भर रहा है 12 घंटे में, भरने वाले हैं सब, ठीक है, और बी भर रहा है 18 घंटे में, ठीक है, और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? कर लोगे? बिल्कुल सिंपल है, इसका ख्याल से लो जो ये आए उसको जोड़ो और जो यहाँ आए उसमें भाग दे दूँ, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट तेजी के साथ। एक नल किसी होज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। अब ये 25 में भर रहा है, ये 50 में खाली कर रहा है, टंकी तो भरेगी भरेगी। वो 25 में भर रहा है, वो बहुत जल्दी भर दे रहा है, ये बहुत देर लगा रहा है खाली करने में, तो टंकी हमारी दोनों को साथ साथ चला देंगे तो भी भर जाएगी। मुझे इतना अंदाज होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए दिमाग में, ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो हौज भरेगा कितने समय में, समय पूछा है। तो क्वेश्चन वही हो गया क्या कि ए जो है ना वो भर रहा है 25 मिनट में और बी जो है वो 50 मिनट में, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेते हैं, आएगा 50, 50 लीटर आ गया, 25 दूनी 50, 50 से कम 50। पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों कितने समय में भरेंगे, ठीक है। अरे ये खाली कर रहा होगा ना, दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर रहा है तो ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ठीक। तो ये देखो अब इसमें से घटा दो कितना बचेगा, एक बचेगा, तो 50 बटे एक कितना आ जाएगा 50 मिनट, मतलब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 50 मिनट लगेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है एंड चलो पढ़ते हैं। पहले पाइप ए अकेला किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी अकेला 6 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल देने पर टंकी कितने देर में भरेगी अथवा खाली होगी। अभी इसने ये बोला ही नहीं भरेगी, लेकिन हाँ तुम्हें पता होना चाहिए टंकी भरेगी कि नहीं भरेगी। वो 10 घंटे में भर रहा है, ये 6 घंटे में खाली कर रहा है। कौन तेज है पाइप, स्पीड किसकी ज़्यादा है? स्पीड उसकी ज़्यादा है। वो 10 घंटे में भर रहा है या इसकी ज़्यादा है? क्योंकि वो 10 घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है, खाली कर रहा है, तो स्पीड किसकी ज़्यादा है? खाली करने वाले की। तो टंकी कभी भरेगी ही नहीं, साथ चलाओगे, ठीक है। तो भरी हुई टंकी, तो इसमें लिखा होगा कहीं, देखो दोनों पाइप एक साथ खोल देने पर टंकी कितनी देर में भरेगी अथवा खाली हो जाएगी, ठीक है। ए अकेला किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, ठीक है, और बी अकेला उसे 6 घंटे में, बी अकेला उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारा हो जाएगा 30, 10 तीन 30, 6 पंजे 30। अब देखो तीन भर रहा है ये, दो निकाल, पाँच निकाल रहा है, तो कितना निकल रहा है? दो निकल रहा है। ये तुम्हारी भरी टंकी भी रहे ना, तो यहाँ पे गड़बड़ी कर दी इसने। एक साथ खोल देने पर टंकी कितनी देर में भरेगी, तो देखो टंकी भरेगी तो आई ही नहीं, तो ये बोलेंगे कि एक साथ खोल देने पर भरी टंकी भरी टंकी कितनी देर में, भरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, एक साथ खोल देने पर टंकी कितनी देर में भरेगी अथवा खाली हो जाएगी। कोई भरी टंकी होगी तभी तो खाली होगी ना। हाँ तो ठीक है, यहाँ देखो ये पर घंटे कितना खाली कर रहे हैं, तीन भर रहे हैं, ये पाँच निकाल रहे हैं, तो दो तो फिर भी खाली हो रहा है। तो ठीक है, ए भी दोनों ही हम चालू कर दें तो टंकी हमारी जो है ना 30/2, ठीक है, तो ये खाली हो रही है, मतलब 15 घंटे में हमारी टंकी कैसी हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो आपको तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देख लें बैक करके, और उसके बाद ही प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डालो क्वेश्चन को, ठीक है, रिपीट करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन और हों, कुछ अच्छे क्वेश्चन हों वो भी डाल सकते हैं आप। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सही से, है ना, क्या बोल रहे हैं। सॉल्यूशन, एक नल किसी टैंक के एक को एक घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये भी गड़बड़ है थोड़ा सा। एक नल किसी टैंक के एक भाग को, ठीक है, या किसी टैंक को एक को, ठीक है, एक घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल 30 मिनट में खाली कर सकता है, या दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए तो टैंक खाली होने में कितना। अब दोनों खाली करने वाले हैं, ए भी खाली कर रहा है कितने, एक घंटे में, ठीक है, बी एक मिनट में, ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें जो है ना हमारा फ्रैक्शन वाला सिस्टम नहीं रहेगा, तो हम मिनट में कर लेते हैं क्योंकि आंसर भी मिनट में है। देखो तो ए कितने, एक घंटे में खाली करता है तो 60 मिनट, बी कितने में खाली कर रहा है 30 मिनट में, दोनों का एलसीएम कितना आया 60, दोनों का एलसीएम कितना आया 60, दोनों खाली कर रहे हैं, 60 एकम 60, 30 दूनी 60। अब दोनों ही खाली वाले भरी टंकी को खाली करें तो कितना खाली कर रहे हैं, एक ये दो ये तीन खाली कर रहे हैं, तो देखो जरा कितना पानी है 60 लीटर, खाली कितना कर रहे हैं 3, तो कितना लगेगा 20 मिनट, 20 मिनट में टंकी खाली, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ने में आ रहा होगा वैसे तो, ठीक है।
नल ए किसी टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि नल बी अकेले इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों एक साथ खोल देने पर टैंक कितनी देर में खाली हो जाए। दोनों खाली कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, करना आप ठीक है, खुद ही करना। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ए खाली कर रहा है 40 मिनट, बी खाली कर रहा है 24 मिनट, पूछा है कि दोनों खाली भरी टंकी को कितने समय में करेंगे, तो निकाल लेना दोनों का एलसीएम, और जो एलसीएम आए जिसमें माइनस वाले आए दोनों को जोड़ के भाग दे देना, तो ए और बी दोनों मिल के आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों मिल जाएं तो टंकी हमारी 20 में भर जाएगी, मतलब दोनों पाइप भरने वाले पाइप हैं, जैसे ये धन, ये दोनों मिलकर किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, और ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है। यदि ए अकेला चले, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह, उसमें भी थे दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और ए अकेला काम करे तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, वैसा ही इसमें सिस्टम होने वाला है। ए अकेला उसको कितने दिन में कर रहा है, 30 मिनट में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी अकेला इस टंकी को कितनी देर में भरेगा। अब पूछ रहा है कि बी अकेला कितने देर में करेगा, बी का पूछा है जनाब। ठीक, कोई ना, एलसीएम ले लो, 60 20 दिया 60, 30 दूनी 60, दोनों भरने वाले हैं प्लस प्लस। ठीक है, अब ये बताओ ए दो भर रहा है 2 लीटर एक मिनट में, तो दो ए भर रहा है तो बी कितना भर रहा है, क्योंकि ए और प्लस बी जो है ना दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 3 लीटर। तो जब ए अकेला 2 लीटर भर रहा है तो बी कितना भर रहा है, इसका मतलब कितना भर रहा है, 1 लीटर। तो बी का ही तो पूछा है, बी को भरना है कितना है, 60 लीटर। बी को 60 लीटर भरना है, एक भर रहा है तो 60 आ गया। साठ मिनट में हमारी क्या है, टंकी को बीवी अकेला भर सकता है। ठीक है, ए 30 मिनट में भरता है तो बी जो है ना 60 मिनट में भर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब आ रहा है देखो, ए और इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा पढ़वा दो। ए और बी मिलकर किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं, ए अकेला 24 मिनट में भर सकता है, तो बी इस टंकी को कितने दिन में भरेगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेना, नेक्स्ट आते हैं। एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया थोड़ा सा ना, एक पंप जो है ना एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक की तली में छेद होने की वजह से पंप को टैंक भरने में 3.5 घंटे लग गए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है, और लग गए, तली का छेद भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, तली का छेद भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। ठीक है, इसको दल लगा देते हैं। अब चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए, मैं मान लेता हूँ टैंक का नाम है मेरा नल ए है, ठीक है, एक पंप और टैंक कोई भी मान लेते हैं, ठीक है, वो भर रहा है कितने घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है, लेकिन टैंक की तली में छेद होने की वजह से पंप जो है 3.5 घंटे में लग जाते हैं। वैसे तो 3 घंटे में भर देता है, मगर एक जो नल है ना इसके साथ स्टार्ट हो गया है, कौन सा वाला, जो पानी को निकाल रहा है, जो पानी को निकाल रहा है, तो वो जब चालू हो गया तब मेरी टंकी को समय लग गया 3.5, मतलब कि 7/2 घंटे। तो पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि तली का छेद भरे हुए टैंक को कितने समय, मतलब देखो तली का छेद नहीं है, टंकी भरे हुए, ठीक है, ये तली ने टंकी जब पूरी भरी हुई है तो खाली नल, मतलब बी माइनस वाला नल जो है ना वो कितनी देर में टंकी को खाली कर देगा, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो दोनों का लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आया 21,
ठीक है, एलसीएम 21 तो नहीं, लेकिन हम एलसीएम वैसे कैसा होता है, यदि हम 3 और 7/2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, अंश का, ठीक है, ठीक है, अंश का लेते हैं हम क्या चीज, एलसीएम, एंड जो हर रहता है ये इसका लेते हैं एचसीएल, ठीक है। तो एलसीएम ऊपर कितना हो गया, 7 × 21, एंड नीचे का कितना हो गया, एचसीएल 1, तो हमारा एलसीएम कितना आया, कंप्लीट, ठीक है, 21 आया। तो यही हमारा 21 एलसीएम हो गया है। तो हम 21 को क्या करेंगे, 3 × 7 = 21, ये 7 लीटर भर रहा है एक घंटे में पानी। अब ये 7 × 21 3, और ये वाला जो 2 है ना, 2 और आ जाता है यहाँ पे, तो 2, तो ये हो जाएगा 6। ये कितना, ये देखो जब पानी भी निकाल रहा है तब कितना भर पा रहा है बेचारा, 6 भर पा रहा है। इसका मतलब ये अकेले 7 भर रहा था, ये 7 भर रहा था, अब ये 6 कैसे हुआ, क्योंकि इसने 1 लीटर पानी पर घंटे निकाला तभी 6 हुआ। तो बी एक घंटे में कितना निकाल रहा है, 1 लीटर पानी, पानी निकालना कितना है 21 लीटर, निकल कितना रहा है एक घंटे में 1 लीटर, तो भरी टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, 21 घंटे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार सभी लोग। चलो कराते हैं, आ गया होगा आंसर आप लोगों का। तो चलो नेक्स्ट इसको लेते हैं, इसको करा ही देते हैं, ठीक है। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक पाइप मान लेते हैं हमें ए, दूसरा पाइप मान लेते हैं इस क्वेश्चन में बी। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है, मान लिया ए जो है ना ये भी खाली करता, दोनों ही खाली कर रहे हैं, ठीक है, ये कर लेता है 40 मिनट में खाली। दूसरा कह रहा है एक दूसरे निकासी पाइप में पानी की गति, पहले पाइप में पानी की गति का दोगुना है, इसकी गति से इसकी गति कितनी है, दोगुनी है। जब इसकी गति दोगुनी है तो टाइम कम लगेगा आधा, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ गया क्वेश्चन क्या, ए किसी टंकी को खाली करता है 40 मिनट में, बी उसी टंकी को खाली करता है 20 मिनट में, तो अब बताइए दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में खाली कर देंगे, 40 से कम 40 और 20 दूनी 40, दोनों निकालने वाले हैं माइनस माइनस, तो 2 और 1 = 3, तो ए माइनस तन बी माइनस, ठीक है, 40/3, तो कितना आ गया 13, सही, 1/3 घंटे, या मिनट में क्वेश्चन था ना, सॉरी एम बना दो इसको, ले मिनट, ठीक है, आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। चलो इसको कवर करिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको करिए, चलिए सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए।
चलिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो कल कराए जाएंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादातर कवर हो चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक दो कुछ रह गए हैं वो भी कवर करा देते हैं। चलो पेन को ले लेते हैं। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेज भरता है। एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में, एक अन्य पाइप की तुलना में, अन्य पाइप कौन सा है ये, इसकी तुलना में कितना गुना, 3 गुना तेजी से, तो इसकी रफ्तार कितनी है, 3 गुनी, ठीक है। 3 एकड़ इसी हो गया, ये दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें, ठीक है, 36 मिनट में भरें, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब दोनों ही पाइप क्या है, ये भरने वाले हैं प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, ये तो क्या हो गया, स्पीड का रेशियो है, किसका है, स्पीड का, ठीक है। और हमारा स्पीड होता क्या है, देखो जरा क्या होता है, डिस्टेंस, वन टाइम टी, कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि जब हम यहाँ टाइमिंग का रेशियो निकालेंगे तो हमारा टाइमिंग का रेशियो, देखो जब 3 गुनी है इसकी रफ्तार है तो ये टाइमिंग का रेशियो आ जाएगा 1 और 3 का, मतलब ए पाइप जो है ना 1 घंटे में भरेगा तो बी पाइप उसके कितने घंटे में भरेगा, 3 घंटे में, क्योंकि रफ्तार इसकी 3 गुना है, तो ये घंटे में भरेगा वो 3 घंटे में भर देगा। इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ये एक्स वाला सिस्टम चालू कर लेते हैं, ठीक है, वैसे तो आ जाएगा मगर हम एक्स वाले से ही थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अब ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके हम इसको इधर डाल देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं, देखो जरा, यदि ए जो है ना, ये बना पर एक्स है ना, ए अकेला है भरे, ए का 1 घंटे का मान लो, 1 घंटे का, तो कितना आ जाएगा मेरा, 1 घंटे में भरा भाग हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब b का 1 घंटे में तो हो जाएगा 1/3x, ठीक। अब जबकि क्वेश्चन में क्या, 36 मिनट में दोनों भर रहे हैं, अब दोनों भरेंगे, देखो दोनों द्वारा भरा हुआ भाग, दोनों द्वारा भरा हुआ भाग देखो 1 घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है, कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो देखो जरा 1/x देन 1/3x, मिलेंगे 3x एलसीएम हो गया मेरा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 3 देन 1, मतलब कितना आ गया 4/3x। अब 1 घंटे में नहीं, अब हम यहाँ लिखेंगे पूरा भरा भाग, पूरा भरने में लगा समय हम 1 घंटे में, ठीक है। अब पूरा, सॉरी, पूरा भरने में लगा समय तो कितना लगेगा, तो उल्टा कर दो इसका 3x/4। अब ये जो समय लगा है, ये समय किसके बराबर है, जरा ध्यान से देखो, ये है वो 36 मिनट के बराबर, ये देखो दिया गया 36 मिनट में, दोनों मिलकर कितना भरते हैं, 36 मिनट में, यहाँ मैंने देखा दोनों मिलकर कितने भर रहे हैं, 3x/4, तो ठीक है 3 से काट दो 12, तो x बराबर कितना आ गया, 12 चौक 48, ये क्या आ गया, मिनट में था तो मिनट में आ गया, तो x बराबर इतना, तो देखो जरा ए कितने भर देगा 48 मिनट में, ये कितना भरेगा, तो 48 तिया कितना हो गया मेरा, 48 तिया हो गया जाके 144 मिनट, 144 मिनट को हमें घंटे में बदलें तो आ जाएगा मेरा 120, निकाल दो 2 घंटे, तो 2 घंटे 24 मिनट, ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। इतना कुछ नहीं करना है तो थोड़ा सा कम कर लो, क्या कर लो, इसको पहले देख लो, ठीक है। चलो इसको रेज करते हैं, इसको दूसरा तरीका दे देते हैं थोड़ा सा एकदम, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, 2 पाइप के द्वारा भरा गया भाग, ठीक है, रेशियो पहले देख लो, टाइमिंग का रेशियो, ए और बी का रेशियो क्या है, स्पीड का क्या था,
तीन एक का टाइमिंग का क्या होगा, एक तीन का ठीक। अब देखो जरा, एक फॉर्मूला होता है, एक्स बाई, ठीक है, एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर दोनों द्वारा भरा हुआ, कितने समय में भरा, 36 मिनट, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा, टाइमिंग, तो वन। ये क्या हो जाएगा, ये एक्स ही लिख लो, ठीक है, वन एक्स, क्योंकि रेशियो में, तो इसे वन एक्स, इसे थ्री एक्स, ये कितना हो गया, 3x। नीचे वाला जोड़ दो दोनों, तीन और एक 4x, x x कैंसिल, बराबर 36। आगे आएंगे तो कितना आएगा, 3x अपॉन 4 बराबर 36, तो तीन से काट दो, 12 तिया 36, तो x बराबर कितना आ गया, 12 चकू 48 मिनट। अब 48 की वैल्यू रख दो, ठीक है, यहाँ x की, यहाँ कितना हो गया, 48 मिनट, यहाँ कितना हो जाएगा, 48 इंटू 3 मिनट, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 2 घंटे और कितना आ जाएगा, 24 मिनट। चलो, इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप लोग का काम क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के चलेंगे, कोई क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ठीक है। चलो, गुड नाइट एंड टेक केयर, एंड चैनल का नाम बता दिया, सत्या स्मार्ट क्लासेस, उस पर जाके आप देख सकते हैं सारी वीडियो। अब अभी शुरुआती हुई है, दो तीन ही वीडियो बन पाई हैं शुरुआत में, ठीक है, और सारी वीडियो स्टार्ट हो गई तेज़ी से। अब डेली जो है ना, दो एक वीडियो आती रहेंगी ऑफलाइन, ठीक है। अभी क्या है, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है लॉकडाउन की वजह से, तो इस वजह से जो है ना, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड गुड नाइट, टेक केयर एंड पढ़ते रहो, ठीक है।